नमस्कार दोस्तों, मैं रिचा, लेट्स कुक विद रिचा चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए किड्स स्पेशल मैकरोनी पास्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो रेड सॉस में बनती है और यह देखने और खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो देर किस बात की, चलिए पहले इसके इंग्रेडिएंट देख लें फिर रेसिपी। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे मैकरोनी, यह लगभग 200 ग्राम है और कप से 2 कप। यह पैकेज्ड मैकरोनी है, इसके लिए कभी भी आप खुले वाले मैकरोनी ना यूज़ करें। जो अच्छे क्वालिटी के मैकरोनी होते हैं वह यूनिफॉर्मली पकते हैं। चलिए अब हम इसे पका लेते हैं। इसको पकाने के लिए मैंने यहाँ एक भगोने में 4 ग्लास पानी लिया है। अब इसको बॉयल होने देंगे। जब बॉयल आ जाए तब हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच नमक और 2 छोटी चम्मच तेल। अब हम इसमें डालेंगे मैकरोनी और इसको एक मिक्स देंगे। अब हम इसे पूरी तरह से पकने तक पका लेंगे, याद रहे ओवरकुक ना हो। साथ ही इसे बीच बीच में चलाते भी रहेंगे जिससे यह बर्तन के तले में ना चिपके। आप देख सकते हैं यह पक गया है, इसका पानी भी सफ़ेद और गाढ़ा हो गया है। यह इंडिकेशन है कि हमारा मैकरोनी अब कुक हो चुका है। इसे मैं आपको चेक करके भी दिखाती हूँ। यह देखिए पक गया है। आप चाहें तो एक पीस मैकरोनी खाकर भी चेक कर सकते हैं। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसको स्ट्रेन कर देंगे। स्ट्रेन करने के बाद इस पे हम ठंडा पानी डालेंगे जिससे इसकी कुकिंग प्रोसेस यहीं पर रुक जाए और ओवरकुक ना हो। ठंडा पानी स्ट्रेन होने के बाद हम इस पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे जिससे यह एक दूसरे से स्टिक ना हो। अब हम इसे टिल्ट करके इसका सारा पानी स्ट्रेन होने के लिए रख देंगे जिससे इसका पूरा पानी अच्छे से स्ट्रेन हो जाए। चलिए अब हम इसके लिए रेड सॉस बनाते हैं। इसके लिए हम एक गरम कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम होने के बाद इसमें डालेंगे 2 छोटी चम्मच बारीक कटी हुई लहसुन, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और इसे 10 सेकेंड्स के लिए सॉटे कर लेंगे। याद रहे लहसुन को हमें ब्राउन नहीं होने देना है। 10 सेकेंड्स के बाद इसमें डालेंगे 2 स्मॉल साइज के बारीक कटे हुए प्याज। इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे आधी मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, आधी मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई गाजर और इसे भी एक बार मिक्स कर लेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक कि गाजर और शिमला मिर्च सॉफ्ट ना हो जाए। इसे बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। गाजर और शिमला मिर्च के सॉफ्ट होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर और एक मिक्स देने के बाद अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार से लाइट साइड में नमक, क्योंकि आगे हम सॉसेस भी यूज़ करेंगे और सॉसेस में भी नमक होते हैं। नमक डालने के बाद इसको एक मिक्स देंगे और बिना ढके टमाटर को सॉफ्ट और मैशी होने तक पका लेंगे और इसको बीच बीच में स्पैचुला से मैश भी कर लेंगे जिससे ये सॉसी और जूसी हो जाए। टमाटर के मैशी होने के बाद गैस फ्लेम को अब हम एकदम लो कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1 से 1.5 टेबल स्पून टमाटो केचप, 1 छोटी चम्मच रेड चिली सॉस, 1 छोटी चम्मच ग्रीन चिली सॉस और आधी छोटी चम्मच विनेगर। अब हम इसे एक अच्छा स्पाइसी रेड कलर देने के लिए 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इन सभी चीज़ों को हम एक अच्छा सा मिक्स देंगे और उसके बाद 30 सेकेंड्स के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे बॉइल्ड मैकरोनी और ऊपर से फिर ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच ऑर्गेनो, आधी छोटी चम्मच चिली फ्लेक। अगर आपके पास ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स ना हो, उसके बिना भी इसको बनाया जा सकता है, तब भी इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे लगभग 30 सेकेंड्स के लिए मीडियम फ्लेम पर हल्के हाथों से। यह देखिए कितना अच्छा रेड कलर आया है। जब यह सॉसेस सारे मैकरोनी के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए तब हम इसमें डालेंगे 1 सैचे पास्ता मसाला और 1 सैचे मैगी मसाला। यह दोनों मसाले जनरल स्टोर पर आसानी से मिल जाते हैं। अब हम इसे 2-3 मिनट के लिए मिक्स कर देंगे।
दो तीन मिनट मिक्स करने के बाद हम गैस ऑफ कर देंगे और इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा मुझे मोटिवेट करने के लिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए ईट हेल्दी स्टे ट्यून्ड।